कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद हरियाणा सरकार की ओर से अस्पतालों को एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी कॉलेजों में सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने मेडिकल कॉलेजों को अपने निकटतम पुलिस स्टेशन, SHO और DSP के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखने का निर्देश दिया है। आदेश में कहा गया है कि सभी छात्रावासों के बाहर मुख्य द्वार, सड़कों, गोल चक्रों और अलग अलग अस्पतालों, कॉलेज ब्लॉकों में परिसर और उसके हर तल पर CCTV लगाए जाने चाहिए। आदेश में कहा गया है कि सुरक्षा के मद्देनजर कॉलेज परिसर में जहां भी CCTV और परिवहन की जरूरत हो तत्काल पूरी की जाए। 48 घंटे में अनुपालन की एक रिपोर्ट मुख्यालय में भिजवाएं। इसके तहत सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक पुलिस पोस्ट हो जो 24 घंटे खुली हो। इसमें कम से कम एक महिला पुलिसकर्मी तैनात रहे। सारे हॉस्टल्स में गेट्स पर, रोड पर CCTV कैमरा लगे हों और CCTV की मॉनिटरिंग 24 घंटे हो और रेगुलर सिक्योरिटी की गश्त हो। CCTV फुटेज पर नियमित रूप से नज़र रखने के लिए सुरक्षा कर्मियों के लिए एक नियंत्रण कक्ष होना चाहिए जिसमें कम से कम 3 महीने का स्टोरेज, रिकॉर्डिंग, बैकअप, सभी OPD और बाहरी वार्डों में सुरक्षा गार्ड की तैनाती होनी चाहिए। नियमित सुरक्षा गश्त सुनिश्चित करते हुए संभावित सुरक्षा जोखिमों की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए रेगुलर सुरक्षा ऑडिट करने का सुझाव दिया गया है। कर्मचारियों के लिए ID बैज, की कार्ड या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सहित सुरक्षित पहुंच नियंत्रण लागू करने का प्रावधान किया है। इसके अलावा इमरजेंसी रिस्पांस प्लान विकसित करने के लिए कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्थ प्रकाश TV।